हज़रात, एक मोमना के साले सवाब की मजलिस है जो कनीज़े शहज़ादी कौनैन थीं, मौला की अज़ादार थीं। समात फरमा लें कि ख़बर ये कब थी हमें छोड़ जाने वाली थी, ख़बर ये कब थी हमें छोड़ जाने वाली थी, वो माँ जो प्यार की दुनिया बसाने वाली थी, वो माँ जो प्यार की दुनिया बसाने वाली थी, गमे हुसैन में आंसू बहाने वाली थी, गमे हुसैन में आंसू बहाने वाली थी, खुद अपने गम में मगर मुस्कुराने वाली थी, खुद अपने गम में मगर मुस्कुराने वाली थी, गमे हुसैन में आंसू बहाने वाली थी, खुद अपने गम में मगर मुस्कुराने वाली थी, खुद अपने गम में मगर मुस्कुराने वाली थी, और हिसार रखती थी बच्चों पे अपने साए का, हिसार रखती थी बच्चों पे अपने साए का, गमों की धूप से उनको बचाने वाली थी, गमों की धूप से उनको बचाने वाली थी, हिसार रखती थी बच्चों पे अपने साए का, गमों की धूप से उनको बचाने वाली थी, वो एक माँ भी थी बेटी भी थी बहन भी थी, वो एक माँ भी थी बेटी भी थी बहन भी थी, तमाम रिश्ते बखूबी निभाने वाली थी, तमाम रिश्ते बखूबी निभाने वाली थी, और कनीज़े ज़ैनबो कुलसूम थी वो बचपन से, कनीज़े ज़ैनबो कुलसूम थी वो बचपन से, सबब ये था कि वो अच्छे घराने वाली थी, सबब ये था कि वो अच्छे घराने वाली थी, कनीज़े ज़ैनबो कुलसूम थी वो बचपन से, सबब ये था कि वो अच्छे घराने वाली थी, खबर ये कब थी हमें छोड़ जाने वाली थी, वो माँ जो प्यार की दुनिया बसाने वाली। कैदे सितम में बाली सकीना जो मर गई, कैदे सितम में बाली सकीना जो मर गई, ज़ैनब के दिल पे एक क़यामत गुज़र गई, ज़ैनब के दिल पे एक क़यामत गुज़र गई, और जब हो गई तमाम सकीना की जिंदगी, जब हो गई तमाम सकीना की जिंदगी, फिर उसके बाद प्यास न जाने किधर गई, फिर उसके बाद प्यास न जाने किधर गई, खाया नहीं किसी ने तरस इस यतीम पर, खाया नहीं तरस, खाया नहीं किसी ने तरस इस यतीम पर, हाय रुख पर तमाचे खाती रही वो जिधर गई, हाय रुख पर तमाचे खाती रही वो जिधर गई, हाय कैदे सितम में आई रिहाई की जब खबर,
कैद सितम में आई रिहाई की जब खबर, अहले हरम के दिल को गमों से वो भर गई। हाय अहले हरम के दिल को गमों से वो भर गई। जब हो गई सकीना पे ज़ुल्मो सितम की हद, जब हो गई सकीना पे ज़ुल्मो सितम की हद, अम्मा के घर को छोड़ के दादी के घर गई। हाय अम्मा के घर को छोड़ के दादी के घर गई। हाय दुर्रे तमाचे प्यास सितमगर की घुड़कियाँ, दुर्रे तमाचे प्यास सितमगर की घुड़कियाँ, लेकर सकीना साथ ये ज़ादे सफ़र गई। है लेकर सकीना साथ ये ज़ादे सफ़र गई। आबिद को सारी उम्र सताता रहा ये गम, आबिद को सारी उम्र सताता रहा ये गम, मेरी बहन लहद में भी तशना जिगर गई। हाय मेरी बहन लहद में भी तशना जिगर गई। हाय कैद सितम में आई रिहाई की जब खबर, अहले हरम के दिल को गमों से वो भर गई। है फैयाज इतना करब है इस दास्तान में, फैयाज इतना करब है इस दास्तान में, नामे सकीना आया इधर आँख भर गई। नामे सकीना आया इधर आँख भर गई। कैद सितम में बाली सकीना जो मर गई, ज़ैनब के दिल पे एक कयामत गुजर गई। एक मरतबा सूरह हम, तीन मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहुमा बानो जाफ़र ख़ान बिनते इकबाल हुसैन साहब के लिए ये साले सवाब कर दीजिए। फातिहा।
أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البتهي الابتهي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل مولن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قالت بنت علي عليهم السلام والله لا تمحو ذكرنا ولا تميتوا وحينا صلوات بھیجے محمد وعلى محمد. بزرگان محترم و دوستان عزیز, یہ مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جن کو عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا شغف تھا, بڑی رغبت تھی. بالخصوص امام حسین کی وہ یتیم بیٹی یعنی سکینہ بنت الحسین علیہ الصلاۃ والسلام, جنہیں شام میں رقیہ بنت الحسین علیہ السلام کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے, بہت اہتمام و انتظام مرحومہ کرتی تھیں جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا کے تابوت کے لیے, جس مجلس کو میں نے بریڈفرڈ انگلینڈ میں 2000 سے تقریباً مسلسل خطاب کیا, اور گزشتہ سال COVID-19 کی وجہ سے جو مجلس آن لائن منعقد ہوئی تھی, اور یہ ان کی دوسری برسی ہے, ایام اضحی میں ان کا انتقال ہوا. اس گھرانے سے, اس خانوادے سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے, چاہے ان کے بیٹے ڈاکٹر مہدی خان ہوں یا ان کی بیٹی ہوں یا ان کے داماد ڈاکٹر شاہد صاحب ہوں یا خود ان کے شوہر جناب جعفر خان صاحب, ان سب کی محبتیں ہمارے شامل حال رہی ہیں. خداوند مغفرت کرے ان کے درجات کو, ان کے درجات کو عالی کرے, اور پسمندگان کو ان کے لیے بہتر سے بہتر ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم, ایام عزا کی مناسبت سے ایصال ثواب کی مجلس ہونے کے باوجود میں نے ایسے الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے جو الفاظ خطیب منبر سلونی غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی یعنی جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے وہ الفاظ کہ جو آپ نے دربار شام میں خطبہ دیتے ہوئے استعمال کیے, جس میں شہزادی نے اس ظالم جابر مستبد حکمران کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا, ساری کوششیں کر لے یزید, ساری دشمنیاں نکال لے, ساری سازشیں کر لے,
लेकिन वल्लाही ला तमहू ज़िक्रना, खुदा की कसम तू मेरे ज़िक्र को, तू हमारे ज़िक्र को महो नहीं कर सकता, तू हमारे ज़िक्र को मिटा नहीं सकता और सिलसिले वही को मौत नहीं आ सकती। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बनी उमैया का सिलसिला जिसने आले मोहम्मद से हर कदम पर दुश्मनी निकाली, हर कदम पर उनको हल्का करना चाहा और उसी नतीजे में फर्जंदे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ हुई। मुतालबे बैस से लेकर शहादत हुसैन तक अगर आप पूरे सिलसिले को देखेंगे तो हर कदम सिर्फ इसलिए था कि इनको इतना डरा दिया जाए, इन पर इतना खौफ तारी कर दिया जाए कि फिर ये कभी बोल न सकें। लेकिन उसकी सारी साजिशें, उसकी सारी तमन्नाएं धरी रह गईं जब दुनिया ने देखा कि ये सितमदीदा शहजादी किस तरह से शाम के दरबार में जाकर खिताब कर रही है। पूरा खुतबा इस लायक है, इस रुतबे और मर्तबे का है कि लफ्ज़ लफ्ज़ पर गुफ्तगू हो और ये बताया जाए कि जिसे खुदा पर भरोसा होता है, जिसे खुदा पर एतमाद होता है, जिसे खुदा पर एतबार होता है, वो वक्त तो हालात और मुसीबतों के पहाड़ टूटने के बजाय, टूटने के बावजूद मुतासिर नहीं होता है और खुदा पर भरोसे का ऐलान करता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप अगर जिक्र के फलसफे को देखेंगे तो ये वो ख़ानदान है, आमतौर से इस घराने के अफराद यकीनन हमेशा मर्द मैदान रहे हैं, हमेशा इन्होंने दुश्मन को शिकस्त दी है, लेकिन इस घराने की ख्वातीन का पर्दा मशहूर है। लेकिन तारीख ने देखा है कि जब मौलाए कायनात मसलहतन खामोश हुए हैं, इसलिए कि बनी उमैया की बिलखसूस अबू सुफियान और उसके घराने की ये साजिश रही है कि वो ये साबित करें कि खुदा कोई नहीं है, पैदा करने वाला कोई नहीं है। और प्रोपेगंडा भी यही था कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने तो हुसूल हुकूमत के लिए खुदा का नाम लिया है, दीन की बात की है, वरना खुदा नहीं है, दीन नहीं है। लेकिन ये दुनिया ने देखा कि जब पैगंबर इस्लाम को ये पेशकश हुई कि अगर ये तैयार हों तो हम इनको मक्के की हुकूमत दे देंगे, हम जिस कबीले में चाहें इनका अख्त करा देंगे, लेकिन पैगंबर ने क्या कहा कि ऐ चचा, इन काफिरों से कहिए कि अगर ये एक हाथ पे चांद रख दें, एक हाथ पे सूरज रख दें, तब भी पर मैं एलाए कलिमतुल हक से बाज ना आऊँगा। गोया कि नबी ने बताया, अगर तुम्हारी गलत फहमी ये है कि हम हुसूल हुकूमत के लिए ये कर रहे हैं तो हम ज़मीन व आसमान दोनों की हुकूमत को ठोकर मार सकते हैं, लेकिन कलमाए हक़ की बुलंदी से कोई समझौता नहीं कर सकते। और यही काम मदीने में आकर जब यही अबू सुफियान आया है हुकूमत की पेशकश लेकर, तो मेरे मौला ने यही तो कहा कि तू कब से इस्लाम का वफादार हो गया। लेकिन उस मौके पर जहां मौला अली का बोलना मुनासिब नहीं था, यानी फातह खैबर, फातह खंदक, हर मैदान का मर्द मैदान खामोश है, लेकिन उस मौके पर शरीक हयात ने, उस ज़ात गिरामी ने जो पर्दे में रहती थी, उसने मुतालबे फिदक के मौके पर खुतबा देकर बताया कि मेरा शौहर खामोश है, लेकिन अब अगर मुझे बोलना ज़रूरी हो गया है तो हम दरबार में जाकर अपने खुतबे से जालिम को बेनकाब करेंगे। तवज्जो फरमाइएगा, तो वहाँ भी जनाबे ज़ैनब की वालदा ने
जाकर खुतबा देकर बताया कि देखो हक की आवाज़ को किसी भी तरह से खामोश नहीं किया जा सकता है। तो जो काम अपने दौर में इस्लाम की सरबरंदी के लिए जनाब जहरा ने किया, वही काम अपने दौर में इस्लाम की सरबरंदी के लिए जनाब जैनब ने अंजाम दिया। वो माँ का खुतबा था, ये बेटी का खुतबा है, लेकिन आप लफ्ज़ों को मिलाएं तो आपको पता चलेगा कि लहजे का फ़र्क भी नज़र ना आएगा। और ये क्यों है? ये इसलिए है कि वो नबी की बेटी का खुतबा है, ये अली की बेटी का खुतबा है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर दुनिया ने देखा कि इस घराने की ख्वातीन ने भी, यकीनन ये ख्वातीन का एक पूरा सिलसिला है, अगर आप देखें ये इस्लाम पर एहसान करने वाली वो ख्वातीन हैं कि चाहे जनाब खदीजा हों कि जिन्होंने अपनी दौलत के ज़रिए से और अपने ईमान के ज़रिए से इस्लाम की मदद की, चाहे जनाब जहरा सलवातुल्लाह अलैहा हों कि जो इस मंजिल पर हैं कि जिनको देखकर पैगंबर इस्लाम कहा करते थे कि मेरी बेटी तुझे देखकर मुझ में हौसले तबलीग पैदा होता है, इसलिए कि कुफ्फार ये समझते थे कि रसूल का कोई बेटा नहीं है जो उनके मिशन को आगे बढ़ा सके। लेकिन रसूल पेशानी जहरा में उनकी आने वाली नस्ल को देखकर कहते थे कि जब तक तेरी नस्ल बाकी है मेरे मकसद को मिटाएगा कौन। लेकिन क्या कहना जहरा को, परवरदिगार आलम ने जो बेटे दिए, जो बेटियां दीं, बेटों ने तो नाम किया ही, लेकिन बेटियां भी ऐसी थीं कि ज़रा देखें अजीज़ान मुहतरम के शहादत के बाद जहां तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, सोचा नहीं जा सकता था, ख्याल नहीं किया जा सकता था कि अब इमाम हुसैन के मिशन को आगे कौन बढ़ाएगा, लेकिन जिस तरह से मदीने में दुश्मन ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि अली के खामोश होने के बाद बोलेगा कौन, उसी तरह से करबला में शहादत हुसैन के बाद कोई सोच नहीं सकता था कि पैगाम करबला को दुनिया तक पहुंचाएगा कौन। लेकिन जो काम मदीने में जनाब जहरा ने जालिम को बेनकाब करके किया, वही काम कूफा और शाम में खुतबा देकर जनाब जैनब ने किया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात भेज दीजिए आप मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसीलिए मैं अक्सर ये पढ़ता हूँ कि अगर ख्वाजा अजमेरी ने इमाम हुसैन की शहादत को सामने रखकर इस तरह से कहा कि शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस दरदस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलास्त हुसैन, तो अगर हुसैन बिनाए ला इला हैं अपनी शहादत की वजह से, तो खुर्शीद गाजीपुरी ने कहा कि उस मिशन को इस बहन ने इस तरह से आगे बढ़ाया, अली और जहरा की बेटी ने इस तरह से आगे बढ़ाया कि कहने वाले ने कहा कि बकाए दी की खातिर हर तरह तैयार जैनब है, नहीं शब्बीर की जो थी वही इनकार जैनब है, अदब से दस्त बस्ता अर्ज है ये ख्वाजा की खिदमत में कि बिनाए ला इलाह में भी हिस्सादार जैनब है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ जरा आप देखें और फिर किस तरह से इस शहजादी ने उस विरासत इल्म को, यानी देखिए औरत के मिजाज में है वैसे भी, और मुसीबतों के पहाड़ टूटने के बाद, ऐसी मंजिलों से गुजरने के बाद, यानी जहां मर्दों का कलेजा पानी हो जाए, जहां सोचने का हौसला न रहे, चौथे इमाम ने तो बताया ही कि मंजिल इमामत क्या होती है, लेकिन क्या कहना उस ज़ात गिरामी का। जरा अंदाजा लगाएं आप कि जिसको ये सितम दीदा शहजादी, इतनी मुसीबतों से गुजरने वाली, जिसका ऐसा भाई ऐसे मजलूमी के आलम में शहीद कर दिया जाए, जिसके घर का पर्दा इतना मशहूर हो। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ऐसी शख्सियात की मजलिस पढ़ने में
फ़ज़ाइल ही में मसाइब के बाब निकलते चले जाते हैं। एक मुश्किल मरहला होता है, लेकिन ये तारीखों की मुनासबत ऐसी है जो हमें मुतालबा करती है कि हम इस रुख की मजलिसें पढ़ें। हमें आपकी समातों पर यकीन है, हमें करीब और दूर से सुनने वाले जानते हैं कि हमारा मिजाज ज़ाकरी क्या है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ कोई तसव्वुर न हो सके, वहाँ जिसका पर्दा इतना मशहूर हो, ज़रा सा आप अपने ऊपर ज़ब्त और सब्र से काम लीजिएगा कि वो जो माँ की कब्र पर बचपने में भी जाती हो तो कब्र का चिराग गुल कर दिया जाता हो, जो बाप के जख्मी बदन के आने पर जिसके चाहने वालों को दरवाजे से वापस किया जाए कि कहीं रोने की आवाज़ न पहुंच जाए, जिसको जख्मी भाई वापस कर दे कि अभी हुसैन जिंदा है, तो ऐसे पर्दे वाली खातून उसे जाकर के खुतबे देना पड़ रहे हैं। लेकिन बताया कि यकीनन वो सारी मंजिलें अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब हमें दीन इस्लाम की तर्जुमानी की बात आ जाए तो हम किस अज़्म के साथ, किस हौसले के साथ, और यही हम पैगाम भी देना चाहते हैं कि आले मोहम्मद की मजलूमी ज़रूर देखिए, लेकिन दूसरा रुख इनके अज़्म का भी देखिए, इनके हौसले का भी देखिए, इनके इख्तियार का भी देखिए कि ऐसी मुसीबतों के बाद भी इनकी ज़बान पे कहीं शिकवा नहीं आता है। हर जगह खुदा पर एतमाद आपको नज़र आएगा, चाहे कूफे का खुतबा हो, चाहे शाम का खुतबा हो। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए 25 मुहर्रम से हम आगे बढ़ गए हैं, 26 मुहर्रम को यह मजलिस हो रही है, लेकिन हम पहली सफर से करीब हो रहे हैं। पहली सफर तारीख अजा में आजादारी के हवाले से अहम तरीन तारीख इस एतबार से है कि यह लुटा हुआ काफला पहली ही सफर को शाम में पहुंचाए। दरबार में जाने का जो मरहला है तफसील से तो नहीं बयान हो सकता है, लेकिन मैं बताऊं कि यह कौन सी फिक्र है जिसकी तर्जुमानी जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा अपने खुतबात में कर रही हैं। इसलिए कि जब यह लुटा हुआ काफला कूफे पहुंचा है तो कूफा वो कूफा है जहां अली की हुकूमत थी, जहां ये बेटी शहजादी बनकर रहती थी, हमारी जाने कुर्बान, लेकिन आज ये असीर होकर पहुंचे हैं। और इब्ने ज़ियाद ने ऐसा शदीद हमला किया है कि मेरे ख्याल में अब तक नज़रिया तौहीद पर ऐसा हमला शायद न हुआ हो कि जब उसने इस लुटे हुए काफले को देखकर कहा कि कैफा राइति सुना अल्लाह बे अखीकल हुसैन, कि तुमने अपने भाई के सिलसिले में अपने अल्लाह को कैसा पाया। तो जो कीजिएगा, देखिए जो भी अल्लाह अल्लाह करते हैं, जो भी खुदा को याद करते हैं, उनके लिए आम तौर से लोगों का तासुर ये होता है कि उनके यहाँ तो खैर ही खैर रहेगी, उनके यहाँ तो कोई मुसीबत नहीं आएगी, उनके यहाँ तो कोई इम्तिहान नहीं होगा। लेकिन यह गलत फहमी है, जो खुदा से जितना करीब है उसका उतना बड़ा इम्तिहान है। इसी निस्बत से उस जालिम और जाबिर ने इस सितम दीदा शहजादी को देखकर कहा कि तुमने अपने भाई के सिलसिले में अपने अल्लाह को कैसा पाया। बड़ा अल्लाह अल्लाह करने वाला घराना था, बहुत जिक्र तौहीद के परचम को तुम बुलंद करने वाले थे, लेकिन करबला में तुम्हारे साथ माज़ अल्लाह तुम्हारे अल्लाह ने क्या किया। अब ये जुमले इसलिए थे ताकि अली की बेटी, जहरा की बेटी, हसनैन की बहन की जबान से कोई ऐसा जुमला निकल जाए ताकि ये जालिम कह सके कि देखा अल्लाह अल्लाह तो बहुत करते थे, लेकिन ऐसे मौके पर इनकी जबान से ऐसे जुमले अदा हो गए। लेकिन हमारी जाने कुर्बान, इतना शदीद हमला और जनाब ज़ैनब की जबान पर जुमला कौन सा आया है? आपको पता है कि माँ राई तो इल्ला जमीला, हमने तो अपने अल्लाह को जमील ही पाया। तो जो इन मुसीबतों से गुजरने के बाद भी जमाल परवरदिगार पे गुफ्तगु करे उसी को हक है कि उसे अली की जीनत कहा जाए, उसे ज़ैनब कहा जाए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
कि मार आए तो इल्ला जमीला, हमने तो नहीं देखा अपने अल्लाह को सिवाय जमील कि जिसने हमारे अव्वल को नबूवत अता की और हमारे आखिर को शहादत अता की। तवज्जो फरमाइएगा, तो ये कूफा है जहां अली की बेटी के एतमाद का पता चल रहा है। लेकिन अब शाम, शाम अल्लाह अकबर मंजिले मसायब में मैं बताऊंगा कि किस तरह से जनाब जैनब ने बीबियों को तसल्ली दी है, बीबियों को दिलासा दिया है, फिर कभी तफसील से। लेकिन इस वक्त सिर्फ इतना कि याद रखिएगा कि जब अगर आप तरतीब दें तो अगर कूफे में नज़रिया तौहीद पर हमला था तो शाम में नज़रिया अदल पर हमला था। इसलिए कि जब ये लुटा हुआ काफिला आप मुख्तलिफ मजालिस में, जाहिर सी बात है कि मुसलसल मसरूफ़ अज़ा हैं और जो भी हमारे ज़राए अबलाग हैं, चाहे वो हिदायत टीवी हो या दूसरे ज़राए हों, हर जगह आप मजालिस का सिलसिला देख रहे हैं, मंजर और पस मंजर सब आपको पता चल रहा है। मैं तो उस भरोसे पर कि आप बहुत सी चीज़ें पहले से जानते हैं। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा है तो यहाँ पर आपको पता है कि यजीद ने तंज करते हुए सूरह आले इमरान की आयत पढ़ी है कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मंतशा, कि मुल्क किसके लिए है? खुदा जिसे चाहता है मुल्क अता करता है और जिससे चाहता है मुल्क ले लेता है। यानी इससे ज़्यादा कुरान की आयत का गलत इस्तेमाल हो ही नहीं सकता था कि यजीद जैसा जालिम, यजीद जैसा जाबिर, यजीद जैसा हुसैन के कत्ल में शरीक और हुक्म देने वाला ये कहे कि ये जो हमें हुकूमत मिली है ये खुदा की दी हुई है। लेकिन क्या कहना अली की बेटी का, जो कुरान नातिक की भी तर्जुमान है, कुरान सामित की भी तर्जुमान है, और अगर वहीं भरे दरबार में इसका जवाब न दिया जाता तो बहुत से लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते कि खुदा ही तो अता करता है। लेकिन जो अदले इलाही को नहीं समझता है वो तो इस गलत फहमी का शिकार हो सकता है, लेकिन जिसके घर में कुरान नाजिल हुआ हो वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है कि कुरान की आयत को गलत सर्फ किया जाए? उसी सूरह आले इमरान से अली की बेटी ने आयत को पढ़ा कि वला या सबन लजीना, वला या सबन लजीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुम ले अन्फुसेहिम, के हरगिज हरगिज काफिर ये गुमान न करें कि हमने उनको जो मोहलत दी है यह उनके लिए खैर है। तवज्जो फरमाइएगा, हरगिज हरगिज काफिर यह गुमान न करें कि हमने उनको जो मोहलत दी है वो उनके लिए खैर है। नहीं, उनको यह मोहलत जो दी गई है यह इसलिए है ताकि वो और गुनाहों में डूबते चले जाएं। सलवात दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और सलवात दे दीजिए। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, तो उसी सूरे से गोया के शहजादी ने पूरा फलसफा बता दिया है कि तुम इसको हुकूमत न समझो, इसको मुल्क न समझो, बल्कि ये मोहलत है और ये मोहलत अच्छे लोगों को सुधरने के लिए मिलती है और काफिरों और मुनाफिकों को और ज़्यादा गुनाहों में डूब जाने के लिए मिलती है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त निकाल कर आप शहजादी के इस पूरे खुतबे को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा अज़ीज़ान मोहतरम। लेकिन इस वक्त खाली इतना कि शहजादी ने वहाँ पर जिस तरह से यजीद को जलील और रुस्वा किया है, इसलिए कि वो जनाब ज़ैनब के खुतबे के ज़ोर को रोकने के लिए जो सही कर रहा था, जो कोशिश कर रहा था, इमाम हुसैन के सर से बेअदबी कर रहा था, लेकिन शहजादी ने यह कहा कि किद कई दक वसा सायक व नासिब जो दक हैं, कर ले मक्कारियाँ, कर ले अरियारियाँ, कर ले सारी साजिशें, लेकिन खुदा की कसम तू हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकता है। मैं ये कहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम कि ये बतलाइए कि ऐसे बिगड़े हुए माहौल में जब कोई न नासिर है, न कोई मददगार है, न कोई तावुन और एआनत करने वाला है, ये अली की बेटी किसके भरोसे पर दावा कर रही है कि हमारे जिक्र को महो नहीं किया जा सकता? यह फलसफे तौहीद क्यों
बयान कर रही हैं, ये फलसफे अदल क्यों बयान कर रही हैं, ताकि इन लोगों की साजिशों को बेनकाब कर दिया जाए कि तुमने मेरे नाना पे इल्ज़ाम लगाया कि ये सारा सिलसिला उसूल हुकूमत के लिए है, तुमने मेरे बाबा पे इल्ज़ाम लगाया, तुमने मेरे भाई पे इल्ज़ाम लगाया, तो मेरे नाना को हुकूमत की ज़रूरत नहीं थी, उसके सदक़े में कायनात खल्क हुई है, मेरे बाप को हुकूमत की ज़रूरत नहीं थी, उसके इशारे पर सूरज पलट आता है, मेरे भाई को हुकूमत की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि वो तो मदीने से ये कहता हुआ निकला था कि हम हुकूमत के हुसूल के लिए नहीं बल्कि इस्लाह उम्मत के लिए जा रहे हैं। तो शहजादी ने यह दावा क्यों किया कि खुदा की कसम तू मेरे जिक्र को महो नहीं कर सकता है। और यह दावा शहजादी का मदीने में नहीं है, मक्के में नहीं है, करबला में नहीं है, जहां लोग मौजूद हैं, जहां अफराद मौजूद हैं, शाम जहां यह काफिला लुट कर पहुंचा है, वहां शहजादी का यह दावा असल में खुदा के भरोसे का ऐलान है। इसलिए कि खुदा कह रहा है ना कि फस्कुरूनी वस्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मुझे याद रखो तो मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो शहजादी ने यह जो दावा किया कि खुदा की कसम मेरे जिक्र को मिटाया नहीं जा सकता, मेरे जिक्र को महो नहीं किया जा सकता, यह अपने ऊपर नहीं, यह उस खालिक पर भरोसा है कि जब मेरे नाना ने, जब मेरे बाबा ने, जब मेरे भाइयों ने, जब मेरी मां ने बंदा होकर मखलूक होकर उस खालिक के जिक्र के परचम को बुलंद रखा है, तो वो खालिक होकर हमारे जिक्र को मिटने क्या देगा। सलवात दे जो मोहम्मद वाले मोहम्मद। और यकीनन ये शहजादी का दावा, और आज तक हां तड़प रहे हैं लोग ज़ियारतों को जाने के लिए, खासकर शाम सही और कोशिश करके पहुंचने वाले पहुंच रहे हैं, लेकिन वो शहजादी का दावा शाम के दरबार में कि तू मेरे जिक्र को महो नहीं कर सकता, और आज उसका सबूत, मैंने काफ़ी अरसा शाम में गुजारा है और मैंने सैयदा ज़ैनब की रौनकें देखी हैं, लेकिन आज कब्र यजीद का कोई पता नहीं है, लेकिन उस पूरे जवार का नाम सैयदा ज़ैनब है। देखा आपने वो दावा कि खुदा की कसम तू मेरे जिक्र को महो नहीं कर सकता है, वो दावा, और फिर खुदा ने, इसलिए कि खुदा जिससे वादा कर ले उसके जिक्र को मिटाएगा कौन। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, इन मंजिलों से गुजरने के लिए इस घराने ने, बिलखसूस जनाब ज़ैनब ने जो कीमत अदा की है, हाँ अगर पहली सफ़र करीब न होती तो मैं शायद जनाब सकीना के मसाए पढ़ता, लेकिन चूंकि इन मरहूमा को इस घराने की ख़वातीन, चाहे जनाब सैयदाओं, चाहे जनाब ज़ैनबों, चाहे जनाब सकीना हों, हाँ क्यों नहीं, इसलिए कि ख़वातीन को अपनी सिन्फ का दर्द यकीनन ज़्यादा होना चाहिए। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि अज़ा में आपको जो रौनकें हमारे यहाँ नज़र आती हैं वो मर्दों से ज़्यादा औरतों की हिस्सेदारी है, और क्यों न हो, इसलिए कि फ़र्श अज़ा भी तो जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा ने बिछाई। हाँ अज़ादारों, आपको पता है कि हमारे कबीले के मर्द जो हैं, हमारे कौम के मर्द जो हैं, वो अगर एक मजलिस करते हैं तो ख़वातीन एक दिन में कई कई मजलिसों में शरीक होती हैं। खुदा इन जज्बों को सलामत रखे, खुदा उन गोदियों को आबाद रखे, खुदा औलादों को परवान चढ़ाए। हाँ ये बेहतरीन ईसाले सवाब है उन मरहूमा के लिए जो जनाब सकीना के ताबूत का एहतमाम व इंतज़ाम करती थीं। लेकिन मैंने कहा ना, पहली सफ़र आने वाली है, तो पहली सफ़र वो क़यामत की तारीख है। मैंने साउथ इंडिया में कई साल अशरा पढ़ा है, पहली सफ़र को बड़ा अहतमाम होता है, इसलिए कि अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम अजब जुमला कहा करते थे कि अगर 10वीं मुहर्रम को हुसैन इब्ने अली शहीद हुए हैं, ये उनकी शहादत है, तो पहली सफ़र को ये लुट
लूटा हुआ काफिला दरबार में बाजार में वरूद शाम। अल्लाहु अकबर। हाँ आज़ादारो, मैं गुजारिश भी करूँगा कि अगर आप 10वीं मुहर्रम को शहादत हुसैन के लिए तड़पते हैं रोते हैं तो यकीनन हुसैन के गर्दन पे छुरी का चलना हुसैन की शहादत है। तो ज़ैनब उम्मे कुलसूम का बेरदा और पहली सफ़र को दरबार, अल्लाहु अकबर। आपको पता है मैंने खुतबे का तो जिक्र कर दिया, मैंने खुतबे का तो हवाला दे दिया, लेकिन आपको पता है ये वो बीबी है जिसने जलते हुए खेमे से जनाब सैयद सज्जाद को निकाला है, ये वो बीबी है जिसमें 11वीं मुहर्रम को गुजरते हुए सैयद सज्जाद के चेहरे पर जब नजर की है, कहा मेरे लाल ये तुम्हारा क्या आलम है, कहा फूफी अम्मा आप देख रही हैं इन्होंने अपने लाशों को तो दफन कर दिया लेकिन मेरे बाबा का लाशा मेरे चचा का लाशा बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। हाँ आज़ादारो, ये वो बीबी है जिसने शाम में जब कूफे में खुतबा दिया है तो जनाब सैयद सज्जाद ने कहा है अंती आलिमतुन गैर मुअल्लमा, ए फूफी आप तो आलिम गैर मुअल्लमा हैं, लेकिन आज़ादारो जब शाम में आज भी बाबू साथ मौजूद है। अल्लाह अकबर। हाँ आज़ादारो, मैं मसाइब में कोई कमी नहीं करना चाहता हूँ इसलिए कि अभी आप चौथे इमाम की मजालिस से फारिग हुए हैं और सफ़र के महीने में 4-6 दिन के बाद दाखिल हो जाएंगे। तो देखिए जब ये लुटा हुआ काफिला शाम पहुँचा है ना तो आज भी वहाँ बाबू सात मौजूद है। कौन बाबू सात जहाँ इस काफिले को घंटों खड़ा रखा गया है और दरबार की आईना बंदी की जा रही थी ताकि हर रुख से इनको बेरदा और बेपर्दा देखा जाए। अल्लाहु अकबर। लेकिन आज़ादारो आपको मालूम है अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम कहते हैं कि जब दरबारे यजीद में जाने की बात आई है अल्लाहु अकबर तो आपको पता है कि यजीद के दरबार के 7 दरवाजे थे और एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा, लेकिन ये अली की बेटी जानती है कि भरे दरबार में बेरदा खवातीन का जाना, मैंने अभी अर्ज किया था ना कि इनका पर्दा क्या है उसका एहतमाम क्या है, लेकिन अली की बेटी किस तरह से सबको दिलासा दे रही है सबको संभाल रही है। आपको मालूम है जनाब ज़ैनब ने एक एक बीबी के पास जाकर कहा कि न घबराना ज़ैनब तुम्हारे साथ है, न घबराना ज़ैनब तुम्हारे साथ है। कभी जनाब रबाब के पास गई हैं, कभी जनाब लैला के पास गई हैं, कभी जनाब उम्मे फरवा के पास गई हैं, इसलिए कि दरबार में जाना हर बीबी के लिए बहुत बड़ा मरहला था, लेकिन ज़हरा की बेटी सबको तसल्ली दे रही है सबको दिलासा दे रही है कि न घबराना ज़ैनब तुम्हारे साथ है। हाँ आज़ादारो, एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा, दूसरे दरवाजे से तीसरा दरवाजा, एक मरतबा देखा कि 7वें दरवाजे से जब दरबारे यजीद नजर आया तो सबको तसल्ली देने वाली ये अली की बेटी बैठ गई। यही वो मौका था जब जनाब सैयद सज्जाद आगे बढ़े, फूफी अम्मा क्या बात है, कहा मेरे लाल 21वीं रमजान की रात थी, मैं अपने बाबा के पास बैठी हुई थी, मेरा बाबा बता रहा था कि ज़ैनब बेरदा दरबार में जाना होगा। अल्लाह अकबर। हाँ आज़ादारो, आप समझ गए, देखिए इस घराने में करबला का जिक्र बहुत मुसलसल हुआ है। आपको पता है ना कि जब जनाब ज़हरा दुनिया से जा रही थी तो इमाम हुसैन ने क्या कहा था कि अम्मा बुलाएंगी तो मैं जाऊंगा, बंदे कफन टूटे थे, आवाज आई थी आ मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा। हाँ आज़ादारो, तो हुसैन लिपट गए थे। मैंने ये तरतीब दी है कि हुसैन ने माँ से लिपट कर ये वादा लिया होगा कि अम्मा आपने बुलाया तो मैं आ गया, लेकिन अम्मा वादा करो जब हुसैन बुलाएगा तो चले आना अम्मा। यही वजह है कि असरे आशूर जब अंबिया मुंह फेर फेर कर जाने लगे हैं तो हुसैन ने आवाज दी अम्मा, दो हाथ नमुदार हुए, आ मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा। तो आज़ादारो समझिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अगर बेटे ने माँ से वादा लिया कि अम्मा अगर मैं बुलाऊंगा तो चली आना अम्मा,
तो शायद 21वीं रमजान की रात को जब मौला अली अपनी बेटी से कह रहे होंगे जैनब बेरेदा दरबार में जाना होगा, तो जनाब जैनब ने वादा लिया होगा कि बाबा ऐसी मुसीबत के मौके पर अगर मैं आपको बुलाऊंगी तो चले आना बाबा। तो जैसे ही सैयद सज्जाद ने कहा कि फूफी अम्मा क्या बात है, कहा मेरे लाल 21वीं रमजान की रात थी, मैं अपने बाबा के पास बैठी हुई थी, बाबा ने मुझे खबर दी थी कि जैनब बेरेदा दरबार में जाना होगा, तो मैंने वादा लिया था मेरे लाल दरबार सामने है, मुझे बेरेदा जाना है, पहले बाबा को तो पुकार लूं। एक मर्तबा या अली कहा, आगे आगे सैयद सज्जाद, पीछे पीछे भी ये बीबियां, लेकिन अजादारों जनाबे सैयद सज्जाद ये लुटा हुआ काफला दरबार शाम में लेकर पहुंच तो गए, लेकिन सारी जिंदगी इस इमाम को ये गम रुलाता रहा कि जब भी किसी ने पूछा मुसीबतें ज्यादा कहां पड़ी तो करबला का नाम न लिया जहां बिखरी हुई लाशें थी, बल्कि जबान पे आया तो ये आया शाम शाम शाम, कुर्सी नशीनों का मजमा, रसूल जादियां बेरिदा, अला लानतुल्लाह अलल कौमिज जालिमीन, सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार आलम इस ज़िक्र को मरहूमा के लिए बेहतरीन ईसाल सवाब करार दे, पसमंदगान को उनके लिए बेहतर से बेहतर ईसाल सवाब करने की तौफीक अता फरमा, हमारे ईमान को कामिल फरमा, मिल्लत को मुत्तहिद फरमा, सरकार इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील, और हमें इस लायक बना के हमारा शुमार भी उनके अंसार व आवान में हो सके। अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउन अलीम। फिर आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम तीन मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूमा बानो जाफ़र ख़ान बिनते इकबाल हुसैन साहब के लिए ईसाल सवाब कर दीजिए। बयान करता है जब बेकसों का काफिला दरबार के नजदीक था, उस वक्त हाकिम ने कहा अभी दरबार सज रहा है, अभी आईने लग रहे हैं, रोक लो ये काफिला। जब ये ज़ैनब ने सुना थाम कर दिल की पुकार, धूप है सर पर कड़ी सैदानियां रोती रही, बाब साद पर खड़ी सैदानियां रोती रही, बाब साद पर खड़ी सैदानियां रोती रही। 700 कुर्सी नशी थे जुल्म के दरबार में, गम यही सबसे बड़ा था दिले बीमार में, हंसते रहते थे शकी सैदानियां रोती रही, बाबे साथ पर खड़ी सैदानियां रोती रही, बाबे साथ पर खड़ी सैदानियां रोती रही। मुसाफत और ये उस पर सितम सज रहा है, कसर बातिल मुंतसिर अहले हरम, किस कदर थी बेकसी सैदानियां रोती रही, बाबे साथ पर खड़ी सैदानियां रोती रही, बाबे साद पर खड़ी सैदानियां रोती रही। एक उजड़ा कारवां है सैयद सज्जाद है,
नौहा पानी है फुआ है सैयद सज्जाद है क्या दिलासा दे कोई सैदानियां रोती रही बाबे साथ पर खड़ी सैदानियां रोती रही बाबे साथ पर खड़ी सैदानियां रोती रही करबला से शाम तक हो ये सफर दुश्वार था शाम आकर सूरतों से दर्द का इजहार था जब तो मज़हर आप की सैदानियां रोती रही बाबे साथ पर खड़ी सैदानियां रोती रही बाबे साथ पर खड़ी सैदानियां रो मैं बोली सकीना अब रोएगी ना सकीना जिंदा में बोली सकीना की माँ अब रोएगी ना सकीना दी है इसे मात ने लोरिया अब रोएगी ना सकीना जिंदा में बोली सकीना की माँ अब रोएगी ना सकीना करबला से थे रोने पे पहरे रोई तो खाए उदू से तमाचे था इसके लब पर यही बैन आए अम्मू नाए बाबा नाए अब सो रही है सुकून से यहाँ अब रोएगी ना सकीना जिंदा में बोली सकीना की माँ अब रोएगी ना सकीना अरमान था ये रिहाई मिलेगी अपने वतन में सुकून से रहेगी लेकिन मुकद्दर में लिखा था उसके जिंदा में बेकस की तुर्बत बनेगी अब कोई इसको अजियत कहां अब रोएगी ना सकीना जिंदा में बोली सकीना की माँ अब रोएगी ना सकीना कैदे जफा से भी घबरा गई थी सज्जाद से रो के ये पूछती थी भैया रहा हो के कब जाओगे चेहरे पे उसके अजब बेकसी थी खामोश ऐसी हुई मेरी जान अब रोएगी ना सकीना जिंदा में बोली सकीना की माँ अब रोएगी ना सकीना यादे पदर में तड़पना भी देखा खाके तमाचे सिसकना भी देखा है याद इसका वो घुट घुट के रोना और दर्द से वो बिलकना भी देखा
हाय करेगी नाप ये फुगा, अब रोएगी ना सकीना, जिंदा में बोली सकीना की माँ, अब रोएगी ना सकीना, दिन रात रोती थी मेरी हसीना, दिल में थी यादे नजफ अल मदीना, रोने पे था शाम वालों का पहरा, चुप हो गई मेरी बाली सकीना, इन शाम वालों के दर में आ, अब रोएगी ना सकीना, जिंदा में बोली सकीना की माँ, अब रोएगी ना सकीना, कहती थी ये ख्वाब मैंने है देखा, आए थे लेने मुझे मेरे बाबा, कहते थे मुझसे मेरी सकीना, सीने पे मेरे मेरी जान सो जा, मैंने कहा था मेरे बाबा जा, अब रोएगी ना सकीना, जिंदा में बोली सकीना की माँ, अब रोएगी ना सकीना, सफदर ये इजहार गम है कयामत, कैसे लिखूं एक माँ की मुसीबत, जाती थी बानो उजड़ कर मदीना, ये शाम वालों को करके वसीयत, हर रोज शम्मा जलाना यहाँ, अब रोएगी ना सकीना, जिंदा में बोली सकीना की माँ, अब रोएगी ना सकीना, आरी था जिससे फैज वो घर हो गया तबाह, मारा सितम की फौज ने प्यासे को बेगुनाह, हाय बतूले पाक की खेती उजड़ गई, बा हसरत हुसैन से पैन बिछड़ गई, हसरत हुसैन से सैन बिछड़ गई, अरे चिल्लाती थी ये सैन पे मज़मूम बार बार, भैया तुम्हारे लाश आए बेसर के मैंने सार, क्यों कर विदा उड़ाऊं तने चाक चाक पर, मसनद नबी की छोड़ के सोते हो खाक पर, हाय हाय बतूले पाक की खेती उजड़ गई, हसरत हुसैन से सैन बिछड़ गई, अरे घर फातिमा का जुल्म से ताराज हो गया, बेसर तमाम खल्क का सरताज हो गया,
रोशनी उस तारे यहाँ हुए। हाय हाय बतूल पाक की खेती उजड़ गई, वाह हसरत हुसैन से ज़ैनब चढ़ गई। अरे एक दिन वो था के सीनाए सहारा था ख्वाब का, एक दिन ये है के लाश पर आया नहीं है तू कर पहन के दिल में नगम का वफूर हो, जब जिसमें पाक आपका देवों से चूर हो। हाय हाय बतूल पाक की खेती उजड़ गई, हसरता हुसैन से ज़ैनब चढ़ गई। अरे तेरे सितम से कट गया सहारा का बाग सब, पानी से तर हुए ना किसी कुल बदन के लब, एक एक सर्व पद का गला रन में कट गया, सब फातिमा का भाव इसी बन में लुट गया। हाय हाय बतूल पाक की खेती उजड़ गई, वाह हसरत हुसैन से ज़ैनब चढ़ गई। अरे खामोश है अनीस के दिल आप आब है, ये मरसिया है या गमे शह की किताब है, रोएंगे वो जो आशिक नाम हुसैन है, फिक्रे फकत है दर्द के और गम के पैन है। हाय हाय बतूल पाक की खेती उजड़ गई, वाह हसरता